जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम। वी वर लास्ट टाइम ऑन, ये भी कर लिया था। वी हैव डन दिस। यस टीचर, हमने कर लिया था। टुडे वी विल स्टार्ट ये हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। जस्ट वेट फॉर अदर स्टूडेंट्स। Which was your first class, Mariam? Teacher, first class was of physics. Physics is taken by Sir Zishan. Yes, teacher. Zishan, Heather, are you there? Yes, teacher. Zishan, beta, why you send work at the 11th hour? बिल्कुल रात को 12 बजे, तेरी 11 बजे आपने होमवर्क सेंड किया था। पहले भूल गया था, फिर बाद में। देखिए, sometimes फिर मैं अवेलेबल, let's suppose मैं नहीं हूँ बिल्कुल एंड पे, आपका होमवर्क फिर सबमिट होने से रह भी सकता है। तो मैंने रात को बाय चांस आपका देख लिया था होमवर्क ना, बहुत लेट, वेरी लेट यू सेंड योर वर्क। आई थिंक 12 o'clock। ट्राई टू सबमिट योर वर्क वेल बिफोर टाइम, ओके? वैसे तो उसी दिन कर लेना चाहिए, तब याद भी रहता है ना। अगर आप उसी दिन कर लो तो याद भी रहता है, अदरवाइज तो होमवर्क भूल जाता है ना फिर, कि क्या किया था और क्या कैसे करना है। अभी Maryam is there, Rasab is there, and Zishan is there. Why students are late in the class? I think we should start. Haika Arshad. Haika Arshad is in the class? Yes. Yes, here is Haika. Kaise ho aap beta? How are you? Ma'am, I am very, very fine. Congratulations. Congratulations, we have double promoted. Thank you, ma'am. And what about your pending syllabus? Because classes तो बहुत पहले से start हुई नहीं हैं. Yes, ma'am, वो ले रही हूँ. अब biology का तो नहीं है मेरे पास सारा. Print करवाऊँगी. Print क्या करवाना है? All syllabus is done by the book. Okay, ma'am. All the mark. Yes, you just mark the answers and short question answers. Okay, ma'am. Okay, let's start today's lecture. History of classification. बेटा अपने माइक्स को या तो म्यूट कर लें, किसी की बहुत ज्यादा साउंड है किसी के घर से। जी, अब इसमें स्टूडेंट्स हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में बेसिकली we will study about different systems of classification. Scientists ने इसके ऊपर बहुत सा काम किया, क्योंकि it's a very very difficult task to manage all the organisms into different groups. ठीक है, उसमें बहुत से लोगों ने इस पर काम किया। sometimes उनका काम जो होता था जिसपे वो इतनी working करते थे, sometimes all work goes in vain. बिल्कुल मतलब उसका result नहीं सामने आता था, क्योंकि आपको पता है कि जितना भी scientific एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जितनी भी वर्किंग होती है उसको अप्रूव करवाना पड़ता है। ऑल ओवर द साइंटिस्ट, जितने भी दुनिया के साइंटिस्ट हैं उनमें अपना काम जो है वो भेजा जाता है, उसके अप्रूव करवाया जाता है। तो अगर तो हर तरफ से यस का साइन मिले, ओके का साइन मिले, तभी काम जो है वो पब्लिश होता है बुक्स में। तो इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन एड की इसके लिए, और आप आगे इसकी डिफरेंट सिस्टम्स देखोगे। जैसे कि आप देख सकते हो टू किंगडम सिस्टम है,
फिर वो सिस्टम में कुछ बातें तो ठीक लगी, कुछ बातें इसमें आउट ऑफ रूल थी, आउट ऑफ लॉ थी, तो उसको डिस्कार्ड कर दिया गया इस सिस्टम को. उसके बाद एक और सिस्टम आया बाय द नेम थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन. इसमें भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स थे बट इसमें भी कुछ क्लॉज ऐसे थे जो कि रॉन्ग थे. अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन वो सेट नहीं बैठते थे. फिर इसको भी डिसअप्रूव कर दिया गया. आफ्टरवर्ड्स द फाइनल सिस्टम विच वॉज verified and accepted by all the scientists, all the biologists of the world is five kingdom system classification. The final aapke paas jo ek classification ka jo final system is waqt valid hai, that is five kingdom system. Theek hai students, to isi ko ab accurate samjha jata hai, isi ko lekin classification ko further study kiya ja raha hai. Ji Rasab, what I said about classification, कितने systems अभी तक introduce करवाए जा चुके हैं? Name them please. Name them. Two kingdom classification system, three kingdom classification system, and five kingdom classification system. Okay. Okay, Mariam. Which one is the most accurate system of classification? Five kingdom system classification is the most accurate system of classification. Theek ho gaya. Students, just wait. I have to mark your attendance first because all the students have entered in the class. Maryam is there in the class? Yes, teacher. Okay. Zishan is there in the class? Yes, teacher. Anika is not yet here. Okay. Rasab is in the class. Yes, teacher. And Haika, Ashir. Yes, teacher. Haika, Ashir. Zara. Now Zara has entered. Zara, you are here in the class. Are you listening? Yes, Zara. Vita, आपको आवाज आ रही है? Can you hear me, Zara? Yes, I am in the class. Okay. Today, Abdullah, Noor, and Anika is not in the class. Okay, let's start again. Ji, who will read today's topic? Haika, Vita, can you read these lines? Can you see the screen on which I have shared? Yes, Aika, can you see the screen? Answer me. No, ma'am. आपको screen share नहीं हो रही? Maryam, आपको screen share हो रही? Yes, ma'am. हो रही है. हो रही है, ma'am. जी हो रही है. Okay. No, ma'am, हो रही है. Okay. अच्छा ये this is basically your book. ये biology की book ही है PDF. ठीक है, तो वो screen पे आपको नजर आ रही है. Okay, you read the first lines. किन scientists ने काम किया classification पे? जी मैम, द अर्लीस्ट से रीड करूं? जी जी बिल्कुल. ओके मैम. यस, दिस इज बेसिकली हिस्ट्री ना, तो हिस्ट्री में कुछ साइंटिस्ट्स के नेम आपके पास आए. जी ओके मैम. द अर्लीस्ट नॉन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम फ्रॉम द ग्रीक फिलोसफी. Told he classified all living organisms known at that time as either in the group Plantia or in Animalia. Or Animalia. Okay, stop here, Aika. Oh, gee. According to Aristotle, yes. According to Aristotle, who was a Greek philosopher? ठीक है, ये यूनान से इसका लिंक था, यूनानी था और philosopher था Aristotle. उनके मुताबिक दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स. कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो प्लांट लाइक हैं, सो दे फॉल इन द ग्रुप प्लांटी, एंड द अदर जो बाकी बच गए दे आर एनिमल लाइक, और उनको एनिमेलिया में डाल दिया. ठीक है, बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन उन्होंने दी कि दुनिया में दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं,
ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ तो प्लांटी के अंदर आ जाएंगे, कुछ कहाँ चले जाएंगे, एनिमेलिया. ठीक हो गया. ओके मरियम, यू रीड द नेक्स्ट लाइंस. ओके टीचर. इन 700s अबू उस्मान उमर अली जाहिज डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड हिज book. He wrote a lot about the life of ants. In 1172, Ibn Rushd, a translator, Aristotle's book, De Anima, on the soul, in Arabic. In the end of the 15th century, many biologists had started work on classification methods. Example, Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus divided nature into three kingdoms: mineral, vegetable, and animal. Linnaeus used 5 ranks in classification: class, order, genus, species, and variety. Linnaeus is best known for his introduction of the method still used to formulate the scientific name of every species. Yes. Did you table for me? Just wait, Mariam, just wait. Jee students, first, in the first paragraph, Aristotle ka aapko pata chala ki Aristotle divided the organisms into 2 major groups. Afterwards, ek aur naam aapke paas aa gaya, Abu Usman Umar Al-Jahiz. So, inhone total kitni species पे काम किया था, कितनी स्पीशीज को रीड किया? टोटल 350 स्पीशीज को रीड किया. और आंट्स के ऊपर, जो चूंटियां होती है ना, आंट्स के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क की. ही रॉट अ लॉट अबाउट द लाइफ ऑफ एंट्स. इस तरह के बेटा आप इनको प्लीज काइंडली अंडरलाइन दीज पॉइंट्स, बिकॉज ये एमसीक्यूज में समटाइम्स आ जाते हैं कि उन्होंने किस एनिमल पे काम किया था. तो एंट्स को आप अंडरलाइन कर लो. ठीक है, मैं भी अपना वो निकाल कर देती हूँ. एक तो एंड्स को अंडरलाइन कीजिए प्लीज, दिस इज इम्पोर्टेंट. देन एरिस्टोटल का दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट कि हाउ मेनी ग्रुप्स उसमें, कितने ग्रुप्स में किया था रिवाइव. ठीक हो गया. देन नीचे आइए. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट नेम स्टूडेंट्स, कैरोलस लिनियस. This name is very important in the history of classification because he totally start mein unhone organisms ko total 3 kingdoms mein divide kiya tha. Ek to the minerals, ki duniya mein kuch minerals bhi hain jo ki zameen ke andar paaye jaate hain, they are present in the soil. Then there are some vegetables, yani ki plants ko unhone vegetables ka naam de diya, and the rest one are animals. Theek hai students. So Carolus Linnaeus divides all the organisms into 3 kingdoms. ये भी MCQs में आता होता है question कि कितने kingdoms में Carolus ने divide किया था. उनके name क्या क्या है? Minerals, vegetables and animals. और Linnaeus ने total 5 ranks choose किए थे, जो कि हमने परसों भी, मतलब last जो हमारा lecture था उसमें हमने ये सारे देखे थे, just variety उसमें include नहीं था. Variety बाद में निकाल दिया गया था, लेकिन class, order, genus, species ये सारे आपने अपनी जो टेक्सोनोमिक हायरार्की है उसमें आपने ये सारे रैंक्स जो है ना, सारे टेक्सोन वहां पे देखे थे. तो लिनियस को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है. आगे चल के आप ये जो जितनी भी क्लासिफिकेशन की नेमिंग है ना, उसमें लिनियस का नाम ही देखोगे. ठीक हो गया. जी मेरी नो बेटा, नाउ हु एंटर्ड इन द क्लास नेक्स्ट? अभी कोई एंटर हुआ है क्लास में? जारा के बाद निशान, अनिका. अनिका इज देयर इन द क्लास? यस मिस. निशान तो बहुत पहले के एंटर हुए. अनिका बेटा, कितना लेट क्यों हो गए आज? व्हाई यू आर लेट? ओके जी स्टूडेंट्स, अनिका बेटा यू रीड द नेक्स्ट. इसको तो आप रहने दें, दिस इज नॉट टू मच इम्पोर्टेंट, दिस टेबल इज नॉट इम्पोर्टेंट. आगे चलते हैं. जी अनिका, यू रीड दीज लाइंस.
Biologists prefer such a system that can provide maximum information about the basic differences and similarities among different organisms. According to earlier classification systems, organisms. Systems were classified into two kingdom or bags in the two kingdom and three kingdom classification systems. Okay, अब यहाँ से आपका regular जो topic है ना आज का वो start हो रहा है जहाँ से I will make some short questions as well. Okay students, you please यहाँ पे mark करते जाइएगा साथ साथ कि two kingdom system में कौन से important points हो पाएं. ठीक है जी? Hello students, can you hear me? Yes, students. जी students, इसको देखते हैं what is two kingdom system. हम नाम से ही आपको पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि two kingdom system means all the organisms are divided into two groups. एक ग्रुप को नाम दे देंगे प्लांटी का और एक ग्रुप को नाम दे देंगे एनिमेलिया का. अब इन दोनों ग्रुप्स में रखने का जो बेसिक मकसद है वो क्या है, किस बेसिस पर आपने इन दो ग्रुप्स में डिवाइड किया. Plantae are those organisms which can prepare their own food. ये तो आपको very first उसमें पता होना चाहिए कि जितने भी दुनिया में plants हैं, they can prepare their own food. और बाकी के जितने भी organisms हैं, who cannot prepare their food, they fall in the group animalia. तो बस इसी difference को देखते हुए, the जो animals थे और plants थे, उनको two groups में अलग-अलग divide कर दिया. Clear? Yes. जी. अब यहाँ पर जी यहाँ पर एक टर्म यूज हो रही है ऑटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ मींस ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय देयर सेल्स. ऑटो मींस सेल्फ. ऑटो का क्या मतलब होता है? सेल्फ. जैसे ऑटोमेटिक मशीन होती है, ऑटोमेटिक मशीन का क्या मतलब होता है? जो खुद ब खुद चल रही है, ठीक है ना. ऑटो हो वो, उसको किसी और मतलब ऐसे नहीं कि उसको चलाने के लिए किसी इंसान की जरूरत है, वो ऑटोमेटिक चलेगी. जस्ट बटन ऑन करना है तो वो अपना काम स्टार्ट कर देगी. इसी तरह से जो प्लांट्स है, दे आर ऑटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स मींस दे कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड. तो तमाम प्लांट्स को हमने किस किंगडम में रख दिया? किंगडम प्लांटी. ऑन द अदर हैंड जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, सिंथेसाइज मींस प्रिपेयर नहीं कर सकते, और उनको अपनी फूड के लिए ऑटोट्रॉफ्स पर या प्लांट्स पर रिलाई करना पड़ता है, उनको नाम दे दिया जाएगा हेटरोट्रॉफ्स का. मैं दोबारा से इसको हाईलाइट करती हूँ ताकि आप जो है ना इसको मार्क कर लें स्टूडेंट्स. जी यहाँ पर दो टर्म्स आ रही हैं आपके पास, वन इज ऑटोट्रॉफ्स एंड द सेकंड वन इज हेटरोट्रॉफ्स. हेटरोट्रॉफ्स आर ऑल द एनिमल्स बिकॉज दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड. ठीक हो गया? तो टू किंगडम सिस्टम में जो बेसिक इसका थीम है वो क्या है? ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड इन टू ग्रुप्स, टू किंगडम्स, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया. इसके अलावा अगर साइंटिस्ट को कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स नजर आए, जैसे कि बैक्टीरिया है, फंजाई है, एल्जी है, इन सब को उन्होंने देखो ना, ये भी तो थे ना दुनिया में, अब इन सब को उन्होंने पकड़ के प्लांटी के अंदर ही एड कर दिया. बेशक आपको पता है फंजाई जो है वो फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, बहुत से बैक्टीरिया हैं जो कि अपना फूड को प्रिपेयर नहीं कर सकते, उसके बावजूद इनको उठाकर उन्होंने प्लांटे में रख दिया बिकॉज उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी बहुत सारी. क्लियर जी? हु विल एक्सप्लेन दिस अगेन? हु विल एक्सप्लेन? जारा बेटा आप एक्सप्लेन करो कि व्हाट इज टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन. उसके बाद जी जारा यस सारा कीजिए. मैं करूं जी? मरियम आप रिपीट कर दीजिए मरियम इसी कॉन्सेप्ट को, फिर मैं आपको क्वेश्चन, देन आई विल मार्क द क्वेश्चंस. यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस भी बनेंगे. यस टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो सबसे पुराना क्लासिफिकेशन था वो थे टू किंगडम्स. The most oldest classification system was two kingdoms. Teacher, there were only introduced two groups, plantae and animalia. According to it, teacher, इसके हिसाब से वो जो
ऑर्गेनिज्म जो प्रिपेयर कर सकते थे अपना फूड उनको और अपना मटेरियल एनर्जी और वो ऑटोट्रॉफ्स उनको ऑटोट्रॉफ्स कहलाते थे और वो सारे वो जितनी भी चीजें जो खुद खाना अपना बना सकती थी वो प्लांट में रख दिया उसके उन सारी कैटेगरी को और वो कह रहे दूसरे हाथ में वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर देते हैं और अपने आप पे वो भरोसा करते हैं जिसे किसी और के ऊपर नहीं डिपेंड करते वो लोग और हेटरोट्रॉफ्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम एनिमेलिया और हेटरोट्रॉफ्स वो है जो टीचर अपना फूड खुद नहीं बल्कि किसी और से इनटेक करते हैं और यस ठीक हो गया मरियम इट्स ओके जी हाइका जितने भी जो किसी और से फूड यस हाइका बेटा व्हाट इज द डिफरेंस इन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स हाइका व्हाट इज द डिफरेंस इन ऑटोट्रॉफ्स व्हाट इज द डिफरेंस इन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स What is the difference? इन दोनों में difference क्या होगा? आपको clear हुआ है? What is the difference in autotrophs and heterotrophs? रसब आप बता दीजिए यही question है आपका Here you will make a short question. What is the difference in autotrophs and heterotrophs? Hello students, can you hear me? Yes, ma'am. Ma'am, I am saying that I will tell difference between plantia and animalia. Yes, ma'am. Plantia make their own food. Yes. So they are called autotrophs. Yes. And ma'am, animalia, मतलब ma'am वो शिकार वगैरह करते होंगे. ऑब्वियसली जैसे हम इंसान भी तो खुद से फूड नहीं था बनाते ह्यूमन बीइंग्स का प्लांट और एनिमल्स ही हो गया ना मैम जैसे प्लांट्स मेड देयर ओन फूड एंड मैम ओके जी Make a question over here, students. Yeah. Make a question over here. What are autotrophs? यहाँ पर आप एक question note down कर लीजिए. What are autotrophs? और what are heterotrophs? ठीक है? तो autotrophs में आप लिखोगे कि the organisms which can prepare their food are known as autotrophs, and the organisms which cannot prepare their own food and they have to depend on autotrophs are known as हेटरोट्रॉफ्स हेटरोट्रॉफ के एग्जाम्पल ले लेंगे आप एनिमल्स की एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आ जाएंगे हम इंसान भी एनिमेलिया नहीं आएंगे बिकॉज वी कैन नॉट प्रिपेयर आवर फूड ठीक हो गया स्टूडेंट्स और ऑटोट्रॉफ्स में प्लांट्स को आ जाएंगे ऑल द प्लांट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव यू मार्क दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स यस टीचर यस टीचर यस ओके अब नेक्स्ट पैराग्राफ इज अबाउट द demerits अब यहाँ पे कुछ flaws भी हैं excuse me ma'am जी हाइका ma'am I have not marked from book ma'am ये हम अपने से लिखेंगे question का answer yes आप book in our own words yes you can write in your own words as well अगर आप book से help ले लेते हो यहाँ पे concept दिया हुआ है तो आप concept लेके you can write yourself और ma'am इसी मतलब paragraph में से हमें लेनी पड़ेगी lines yes You can take lines from this paragraph. और मैम, मैम two or three lines काफी रहेंगी ना मतलब difference ही बताना है। जी, short question mostly 3 to 4 lines पे ही base कर रहा होता है, nothing else. 2 marks का होता है ना? Okay. Yes. जी, students, now in this paragraph you will study the demerits. Demerits means इसके अंदर जो fault है ना, क्योंकि fault क्या था इसके अंदर? इसके डीमेरिट्स में आपको बता रही हूँ अब यहाँ पर डीमेरिट्स मींस इसके अंदर कुछ फॉल्ट भी है इस सिस्टम के अंदर इसीलिए ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा
ठीक है, तो यहाँ पे आप हेडिंग दे दोगे डीमेरिट्स ऑफ टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। ठीक है, ओके जी। अब इसमें डीमेरिट्स क्या है, आप जैसे ऊपर आपने लाइन देखी कि साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया फंजाई एल्जी सबको प्लांटी के अंदर डाल दिया, वेदर दे लुक लाइक प्लांट्स, वेदर दे बिहेव लाइक प्लांट्स और नॉट, बेशक वो लगते हैं कि नहीं लगते हैं, उनमें अगर डिफरेंसेस भी आ रहे हैं तब भी उन्होंने इसको इसी ग्रुप में डाल दिया। तो दिस इज द मेजर फॉल्ट इन दिस टू किंगडम सिस्टम। तो यहाँ पर आप हेडिंग दे दोगे डीमेरिट्स। ठीक हो गया रसब बेटा, विल यू प्लीज रीड दीज लाइंस। सम टैक्सोनोमिस्ट, यहाँ से बेटा आप स्टार्ट करोगे। टैक्सोनोमिस्ट मीन्स वो लोग जो के क्लासिफिकेशन का काम कर रहे हैं, ग्रुपिंग बना रहे हैं। Yes, are you listening? जी रसे बेटा start reading, हरी आप। Some taxonomists found this system unworkable because many unicellular organisms like Eugenia have both plant-like presence of chlorophyll and animal-like chlorophyll and animal-like heterotrophic mode of nutrition in darkness and lack of cell wall characters. So there should be a separate kingdom for such organisms. This system also ignores the difference between organisms having prokaryotic and those having eukaryotic cells. Okay, यहाँ पर two आपको demerits नजर आ रहे हैं। The first one regard, first जो है वो किसके से किसके ऊपर बात कर रहा है, Eugenia के ऊपर। Eugenia is a unicellular organism which have both the qualities of plants and animals, इसमें plant like और animal like दोनों features मौजूद हैं, जबकि उन्होंने इसको simply plants में डाल दिया था Eugenia। ठीक है, एक तो ये demerit है। second demerit इसका क्या आ जाएगा, second इसका flaw क्या आ जाएगा कि this system ignores the difference between prokaryotic and eukaryotic cells. Now who can tell me what are prokaryotic cells and what are eukaryotic cells? Who can tell me? किसी को याद है, ये हम last topics में कर चुके हैं, prokaryotic cells and eukaryotic. Yes, students, can anybody tell me about the difference in eukaryotic and prokaryotic cell? Yes, teaching, eukaryotic cell are multicellular and has teacher वो उनके पास जितने भी proper cell होते हैं, उनके पास जितने भी cell के अंदर organelles होते हैं वो पूरे होते हैं। टीचर यूनि वो प्रोक्रियोट्स होते हैं, टीचर उसके अंदर वो यूनिसेलर भी होते हैं और उसके अंदर टीचर उसके सेल भी। यस, प्रोक्रियोटिक सेल्स आर वेरी सिंपल सेल्स एंड दे हैव नो ऑर्गेनेली पूरी नहीं होती। ठीक है, दे हैव नो प्रॉपर सेल ऑर्गेनेलिस एंड ऑल ऑर्गेनेलिस आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड एज वेल। बेटा आपको आवाज आ रही है? यस टीचर। एक्चुअली मैंने इंटरनेट चेंज किया अपना ना, मेरा इंटरनेट का बहुत इशू आ रहा है तो मैंने इंटरनेट चेंज किया। ओके, तो इसमें ये दो आपको प्रॉब्लम्स नजर आएंगे टू किंगडम सिस्टम में, एक तो ये कि Eugenia की पोजीशन क्लियर नहीं थी, सेकेंडली प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल्स की पोजीशन इसमें क्लियर नहीं थी। सो दीज आर द डीमेरिट्स। स्टूडेंट्स आप ये जो है टू किंगडम सिस्टम, इसके आप एक यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे आप एक क्वेश्चन क्या बनाओगे, व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। कैन यू सी द स्क्रीन ऑल ऑफ यू? नो टीचर। अच्छा, स्क्रीन आप चली गई है, चले आप बुक से देख के कर लें, वो मैंने इंटरनेट चेंज किया ना तो वो आई थिंक मैं ओपन तो की हुई, मुझे तो स्क्रीन वैसे नजर आ रही है आप सबको, आपको नहीं क्लियर हो रही स्क्रीन टीचर? हमारे पास नहीं आ रही। चले आप बुक से कर ले रिमेनिंग अपना ना। ओके टीचर। ओपन अप योर बुक, पेज नंबर कौन से पेज पर है ये टू किंगडम सिस्टम आपका? पेज नंबर 36। पेज नंबर 36, तो जो लास्ट पैराग्राफ है ना टू किंगडम सिस्टम का, वहां पर ये क्वेश्चन बनेगा, टॉप पर ही क्वेश्चन बना लीजिए।
What are the demerits of two kingdom system classification? Yes, this is Ishan, full paragraph is the answer. Lekin you will write in points, two points. Ji, niche wala full paragraph. Okay. Zara, beta, are you there in the class? Question kya? Question hai, what are the demerits of... Meri to band ho gayi hai. Upar likha hua aa raha hai. Nahi, madam, class band hai. What are the demerits of two kingdom system classification? What are demerits of two kingdom system classification? मतलब क्या इसके demerits हैं? मतलब इसमें क्या faults हैं? Demerit mean faults. गलतियाँ क्या क्या हैं इसके अंदर? क्या mistakes हैं इस system की? इसका ये ठीक है? मरियम तो मैम इसमें हम full paragraph लिख देंगे. Yes, last full paragraph is the answer. But you will write in two points. पहले number one point लिखकर जुगलीना को explain कीजिएगा. Then जो last line है ना, that is the second point. This is मैं the so most... there से. So there कहाँ पे आ रहा है? आप read करो तो मैं बता देती हूँ. No, this system से. This system also ignores. और मैम ये second point है बकाया. जी बाकी सारा ऊपर वाला फर्स्ट पॉइंट है जी. यस, सेकंड पॉइंट बिल्कुल आखिरी लाइन को लेंगे आप, जबकि फर्स्ट पॉइंट ऊपर से जितनी थ्री एंड हाफ लाइन है वो ऊपर आ जाएगी. जी ओके टीचर. जी ज़ारा बेटा, आर यू देयर इन द क्लास? ज़ारा एंड रसल. हेलो ज़ारा. Teacher, she is not in the class. Jay Zara nahi hai, Rasab hai. Okay, Rasab, will you please repeat this two kingdom system classification? Repeat kar de, uske baad class end ho jayegi. Hariya, kyunki mera miss the two kingdom classification system is the oldest classification system. In it, the scientist has divided all the organisms into two groups, which are plantae and animalia. In plantae, he added all the organisms that can prepare their food by its own, and he called them autotrophs. And in animalia, he included that cannot make their own food, just like human beings, and he called them heterotrophs. Heterotrophs. जी स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ह्यूमन बीइंग्स भी एनिमेलिया ग्रुप में ही आते हैं. समटाइम्स हम हैरान हो जाते हैं कि हम एनिमल्स तो नहीं है, बट हमारे अंदर जो फीचर्स है ना कि हम अपनी फूड नहीं बना सकते, दिस इज अ वेरी बिग फीचर टू मेक अ डिफरेंस फ्रॉम प्लांट्स. तो वी आर ऑल्सो इन द किंगडम एनिमेलिया. क्लियर? ओके, what is the status of bacteria, fungi and algae in this two kingdom system? Wo kaun se group mein dale gaye the? Animalia mein ya plantae mein? This at time plantae mein. Yes, they are ji, all ji, they are put in the kingdom plantae. Okay Haika, what are the demerits? Ek demerit Haika bata de, ek demerit jo hai wo Zeeshan bata de. What are the demerits of two kingdom system classification? First one is told. First one, Zeeshan, you tell the first demerit of two kingdom system. Yes, Zeeshan, what is the first demerit? पहला क्या mistake है इस system? दूसरा वाला बता दूँ. जी बताइए. दूसरा वाला बता दूँ. जी जी बता दे. दूसरे वाला छोटा है इसी. This system also ignores the difference between organism having prokaryotic and those having eukaryotic cells. Okay, यानी कि इस सिस्टम में बिल्कुल prokaryotic और eukaryotic cells में कोई डिफरेंस नहीं किया गया. अगर ऑर्गेनिज्म prokaryotic है उनमें कुछ eukaryotic भी ऐड कर दिए गए, यानी कि इकट्ठे कर दिए, उन्हें कोई सेपरेशन नहीं, आपको कोई सेपरेट बाउंड्री नहीं नजर आ रही कि these are prokaryotic cells and ठीक है. अब मुझे बताइए, what is a prokaryotic cell?
प्रोकैरियोटिक सेल के क्या फीचर्स हैं? मैम मैंने फर्स्ट वाला डिमेरिट बताना था जी, आपने बताना है, लेकिन अभी तो ये सेकंड वाले पे ही मैं लगी हुई हूँ। जिशान से मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड अ यूकैरियोटिक सेल। जिशान छोटा सा बताना चाह रहे थे ना आंसर, तो छोटा आंसर तो नहीं है, इसके अंदर भी डिटेल है। सो आई आस्क फ्रॉम जिशान अबाउट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। जी जिशान, व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल? क्यों इन दोनों को एक ग्रुप में रखना ठीक नहीं है? क्या डिफरेंस है इन दोनों में कि इनको अलग अलग रहना चाहिए? जी जी शान, मरियम ने अभी एक्सप्लेन भी किया था पहले, थोड़ी देर पहले। नो आंसर। अनिका, कैन यू टेल द डिफरेंस इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल? यस टीचर। जी जो यूकैरियोट्स हैव यूकैरियोट सेल्स हैव प्रॉपर सेल्स एंड ऑर्गेनेल्स। शाबाश, गुड। एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव प्रॉपर सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेल्स एंड देयर फंक्शंस आर नथिंग। इट इज अ वेरी यस, इट इज अ वेरी प्राइमरी टाइप ऑफ सेल। बिल्कुल जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, तो उसको बहुत सी बातों का नहीं पता होता, उसी तरह से आप इस तरह से लो इसे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आर वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स, इनिशियल स्टेज ऑफ सेल्स। जी अब बताइए, अब बताइए क्या डिड प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताइए। दे डू नॉट हैव। ओके छोड़ दें। हाइका बेटा, यू टेल द सेकंड डीमेरिट ऑफ टू किंगडम सिस्टम। सम टैक्सोनॉमिस्ट्स फाउंड द सिस्टम वर्केबल बिकॉज़ मेनी यूनिक्लियर ऑर्गेनिजम्स लाइक यूनिसेलुलर, इट्स नॉट यूनिन्यूक्लियर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक यूग्लिना have both plant-like presence of chlorophyll and animal-like heterotrophic mode of nutrition in darkness and lack of cells wall characters. So there should be a separate kingdom for such organisms. Yes, students, आपको पता है कि जो plants होते हैं ना, उनकी जो main feature होता है वो क्या होता है कि they have a chlorophyll. ग्रीन पिगमेंट होता है उनके अंदर, जिसकी वजह से वो फूड बनाते हैं। क्लोरोफिल की वजह से तो फूड बनती है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो यूग्लिना था, इसके अंदर फूड बनाने वाला ये पिगमेंट मौजूद था। इस वजह से साइंटिस्ट कंफ्यूज थे कि ये शायद प्लांट है, लेकिन उसके अंदर एनिमल लाइक फीचर भी था कि पिगमेंट होने के बावजूद इट कैन नॉट प्रिपेयर इट्स ऑन फूड। इसके अलावा लैक ऑफ सेल वॉल भी था। सेल वॉल आपको पता है टोटल प्लांट फीचर है, एनिमल्स में तो सेल वॉल होता ही नहीं। तो समझे कि ये दरमियान में था, इसमें कुछ फीचर्स सेल लाइक लगते थे, कुछ फीचर्स इसमें प्लांट लाइक लगते थे। सो देयर इज अ कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस यूग्लिना, इस वजह से इसमें डीमेरिट्स थे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, मेरे हाल से 1 मिनट रह गया है क्लास ओवर होने में, तो अगर हो गई ओवर तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। योर टुडेज होमवर्क मैं अभी उसमें भी डाल देती हूँ ग्रुप में, बट यू हैव टू राइट द एक तो यहाँ से ऊपर से क्वेश्चन बनेगा। कौन सा क्वेश्चन बनवाया था मैंने ऊपर से? व्हाट आर व्हाट आर द ऑटो ट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स? यस, व्हाट आर ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स? एंड टीचर दूसरा क्वेश्चन था व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ द किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्लासिफिकेशन? यस, दीस आर द टू शॉर्ट क्वेश्चंस and you have to write these two both of them, ठीक है? और learn भी करना है, plus ऊपर से MCQs के points से लीजिए, कल मैं MCQs के तौर पे सुन लूँगी ऊपर से। ऊपर का भी था ना paragraph, this one ऊपर के MCQs हम लिखेंगे। No, there's no need to write these MCQs, just learn them. Okay. No, it's not quiz, वैसे review request के लिए तो proper type करके quiz होता है, ऐसे नहीं होता।